सर आपका शुभ नाम? दीपक निगम। अच्छा, हम निगम साहब भी यहीं पर हैं। निगम साहब से भी बात करें कि इन्होंने जो है ना ई कूपन भी जारी किए गए थे घर, तो उसके बारे में बताएंगे सर आप। जो है ना जिस तरीके से हुआ, जो लोग अपना जिनको जो समस्या हुई, तो आपने किस तरीके से निपटाई वो सर एक बार बताएंगे। मैं चाहूँगा कि अनिश पांडे जी को ये ऑथराइज किया था और उनके पास उनके साथ देने के लिए यहाँ पाया, और मैं यहाँ पर आप पार्टी से एस एस टी डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट हूँ वार्ड से, और दिल्ली गवर्नमेंट और हमारे जो छठे विधायक हैं श्री राजनिपाल गौतम, वह जनता की सेवा कर रहे हैं। सुबह शाम खाना मिल रहा है, बाकी सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज जो किसी एन जी ओ के थ्रू हमको एक हमको कुछ कपड़े साबुन वगैरह डोनेट किए गए, जो कि हमने यहाँ पे मजदूर वर्ग हैं उनको हमने दिया गया हमारे तरफ से, और मुझे लगता नहीं है कि हमारे एरिया में कुछ किसी कोई प्रॉब्लम है, हमारे काम सब कुछ ठीक हो रहा है। धन्यवाद निगम साहब, जो आपने जानकारी दी, और बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों के साथ खड़े हैं, इसी तरीके से कंधा मिला के खड़े रहें जो लोगों की समस्याएं ना आ पाएँ, क्योंकि ये बाहर के लोग हैं। क्योंकि हमारे जो छठे विधायक है श्री राजनपाल गौतम, बहुत ही वेरी गुड पता है एंड लीडर है वो। हाँ, सभी की सेवा कर रहे हैं वो। सुबह शाम खाना दीजिए, दिल्ली गवर्नमेंट और सभी को कच्चा राशन दे रही है, पक्का राशन दे रही है, सभी दे रही है। धन्यवाद सर। ओके सर। दिल्ली नगर निगम प्राथमिक विद्यालय B4 नंद नगरी दिल्ली 93 में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी साधरा के द्वारा यहाँ पर कुछ एडवोकेट्स बैठे हैं, उनके द्वारा यहाँ इस स्कूल के अंदर बिल्डिंग का काम चल रहा था, जो बिल्डिंग नई बनाई जा रही है, इसमें यहाँ कुछ लोग जो है ना बाहर के मजदूर लोग रहते हैं, वो मजदूरों को यहाँ पर जो है ना जैसे खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके जो है ना ये कोई यूपी से, कोई एमपी से, कोई कहीं से है, तो इन लोगों को यहाँ पर इस DLSA की ओर से सभी को कपड़ा वितरित किए गए, मास्क वितरित किए गए, और वो साबुन सैनिटाइज व खाने पीने का कुछ सामान भी वितरित किया गया। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये हमारे सामने जैसे कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, और ये लोग बताएंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? विजय सिंह जी, आप यहाँ पर कितने दिन से हो? हम सर जी 5-6 महीने से हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे लॉकडाउन चालू हुआ, देश में महामारी फैली, आप लोग यहाँ फंस गए हैं। हाँ, एक तरीके से लेबर का जो काम कर रहे हैं, आपको यहाँ क्या असुविधा या सुविधा का क्या? सर जी वो हमारे बच्चे सामने, उन्होंने हमारे लिए आटा चावल दिए थे। अच्छा, इन्होंने वकील साहब ने, तो ये सभी लोग जो है ना आप लोगों की मदद कर रहे हैं यहाँ पर, और कोई जैसे इस क्षेत्र से या कहीं से कोई कोई नुमाइंदा आया जो आपकी मदद के लिए? इनके अलावा बराबर वाले थे, एक वो किराएदार हैं सर जी, उनने हमारी मदद करी, 5-10 किलो हमारे लिए आटा दाल आलू भी दिए थे, और किसी ने मदद नहीं करी हमारी। कुल मिला के ये जो DLSA जो साधरा की तरफ से आप लोग को पूरी मदद की जा रही है यहाँ पर, जो कि ये लोग आए हुए हैं, हम लोग इनकी बड़ी अच्छी एक सराहना करेंगे, और हम अपनी तरफ से भी, हमारी टीम की तरफ से भी हम इन्हें धन्यवाद देंगे कि जो इन गरीबों के लिए इन्होंने सोचा, और इन गरीबों के लिए काफ़ी मदद करने के लिए ये टीम यहाँ पर आई है। देखिए, हम इनसे ही एक बार थोड़ी सी इनसे भी बात करेंगे कि भाई जैसे आप लोग यहाँ इन लोगों की मदद कर रहे हैं जिस तरीके से जैसे भी है, तो ये लोग कितने खुश हैं, या मतलब इन लोगों के सामने क्या क्या समस्या आई हैं वो एक बार बताएंगे। इसे पकड़ लीजिए, कोई नहीं। मेरा नाम एडवोकेट अनीश कुमार है, और मुझे DLSA साधरा की सेक्रेटरी मैडम श्रीमती विधि आनंद गुप्ता जी ने यहाँ पे ऑथराइज करके भेजा है, ऐसे लोगों की जो यहाँ मजदूर लोग हैं, और इन लोगों ने लॉकडाउन की वजह से ये लोग अपने घर को नहीं जा पाए, और ये यहाँ पे रुके हुए हैं, एक तरह से फंस गए हैं लॉकडाउन हो जाने के कारण से। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी जो सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने सोचा मानवता के लिए एक सेवा की तरफ से हम लोगों को ऑथराइज किया कि आप लोग जाओ, और ऐसे लोग जो वंचित लोग हैं, वंचित समाज से हैं, और उनको कोई नहीं देख रहा, जैसे इन लोगों ने अभी आपको बताया ऐसे हुए यहाँ पर, इस कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया, इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, और जो चुने हुए लोग हैं, वो लोग भी इन लोगों की वो नहीं ले रहे हैं,
पेमेंट शुद्ध नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे में DLSS आगरा ने हमें ये मौका दिया कि हम जाएं और इन लोगों के साथ में हमारे PFT मैडम हैं, प्रवीण कुमार जी वो किन साहब हैं, और दीपक बाबू हैं, राजेश मित्तल जी हैं, ये इन सब लोगों की सहायता से हम इन लोगों की सहायता कर पा रहे हैं। हम एडवोकेट प्रवीण जी हैं, ये भी बताएंगे कि सर आप जो है ना आप तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पड़ोस में ही रहते हैं, तो आप लोगों को जैसे इन लोगों की सूचना मिली तो क्या महसूस किया आपने और क्या देखा कभी हमें किस तरीके से इन लोगों के मदद के लिए उतरना चाहिए? ये हमने चार दिन पहले आगे कुछ यहाँ मजदूर फंसे हुए हैं जो कि लेबर क्लास यहाँ काम कर रही थी कंस्ट्रक्शन का, ये ठेकेदार के अंदर है, तो ठेकेदार ने जब से कंस्ट्रक्शन बंदी हुआ तो कोई सूट नहीं ली होगी, तो ये बेचारे भूखे प्यासे परेशान होते हैं, ये सामने स्कूल में आए हैं तो हम पता लगा कि यहाँ और भी परिवार है जो कि नहीं आ सकते, बच्चे भी हैं छोटे, तो हम यहाँ आए, हमने DLSS से आग्रह किया कि आप जो है इनके लिए कुछ हेल्प करवाई जाए, तो DLSS ने सबसे पहले ई कूपन के माध्यम से हमें अप्लाई करके भेजा कि आप ई कूपन इनके जारी करें जिससे कि इन्हें खाद्य सामग्री सूखा खा राशन उपलब्ध कराया जा सके। और कोई सर कुछ संदेश या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो कि इन लोगों की जिस तरीके से जो हेल्प की जा रही है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा तो अपनी उनसे यही है कि कहीं और भी आपको ऐसे मजदूर बेसहारा जहाँ समाज के बाकी स्कूल वाले लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, केजरीवाल सरकार यहाँ तक नहीं दे पा रही है या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या सुविधा है उन तक नहीं पहुँच पा रही है, उन सबके आपको ये जो लिस्ट बनती है DLSS सहारा तक होता है, हमारी भरपूर पूरी कोशिश रहेगी इनकी जो भी हम सहायता कर सकें DLSS सहारा हम पूरी तरह से करेंगे। ये मेरा सबसे आपसे अनुरोध है जहाँ भी कहिए। मेरा नाम रण सिंह बाबरी है, मैं यहाँ अपनी बोल जो बड़ा स्कूल है उसके अंदर मैं MLA रिप्रेजेंट हूँ। हमें जैसे यहाँ पर समस्या का पता लगा था कि इन लोगों को हम भोजन दे रहे हैं शाम को सुबह लेके आते हैं अपने यहाँ से, और अभी हमने देखा इन्होंने जो वकील साहब आए हुए हैं इन्होंने कपड़े वितरण किए हैं, इन्होंने मास्क वितरण किया है, बहुत खुशी की बात है इनका, इन गरीबों की मदद करने के लिए इन लोग आए हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारी समस्या तो हमेशा रहती है लेकिन उसके लिए आगे आना पड़ेगा सभी को इनकी मदद करने के लिए, बेचारे बाहर के हैं यहाँ फंसे हुए हैं, ये सब गरीब लोग हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? जी मैम, अच्छा मैं DLSS की PLP हूँ। अच्छा। जैसे ही मुझे पता चलता है कि आज अंगी साहब के साथ है या मित्तल साहब के साथ है, तो किसी भी लॉयर के साथ है तो हम बिल्कुल मना नहीं करते कि आज हम वहाँ कोरोना की वजह से वहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे, बल्कि हमने एक जज्बा और आया है कि ऐसे लोगों की हम मदद करें, जैसे कि प्रवीण साहब ने ढूंढा यहाँ पे कि, और जज साहब को बताया कि यहाँ पे मजदूर फंसे हैं, वकील साहबों को इतनी मतलब एक तरह की एक एनर्जी से आ जाती है कि नहीं पहले वहाँ चलो, वहाँ कपड़े बांटो, वहाँ सैनिटाइजर बांटो, वहाँ मास्क बांटो, तो लेडीजों को जो हमने आज निजी सामान जो दिया है उससे उनमें मैंने पर्सनली उनसे बात करी कि आपको कैसा लगा, तो उससे ये कहा कि हाँ मैडम इस चीज़ का तो मुझे इतना खुशी हुई कि मैं जब मेडिकल स्टोर पर जा रही थी तो कई दुकानें बंद थी और मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम इस चीज़ से हो रही थी, तो आपने ये चीज़ मुझे नई चीज़ बांटी है यहाँ पे उसकी मुझे मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको कितना धन्यवाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद। एक लेडीज तो जिसकी अभी डिलीवरी हुई है वो छोटे से अपने बच्चे को लेके आई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई, हमने उसको दो तीन मिनट बैठ कर दी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।